गुड मॉर्निंग क्लास 8 बेटा, आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 20A का 20 तक जा चुका था। 21 से अब ये वीडियो है, वो देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए। कुछ खास अंतर तो नहीं है 20 से 21 में, फिर भी आप देख लीजिए, बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है 21 वाला कि एक वॉल्यूम निकालिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन। उतना वॉल्यूम निकाले आयरन का, एक लोहा, मतलब लोहा कितना यूज होगा वो बताना है आपको किसी एक ओपन बॉक्स में। क्लोज्ड बॉक्स नहीं है, अभी तक तो आप क्लोज्ड का निकाल दे रहे थे आराम से, लेकिन अब ओपन बॉक्स का निकालना है। ओपन बॉक्स का जो है क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, कितना आयरन यूज हो रहा है, जबकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर उसकी थिकनेस जो है वो 1.5, मतलब किसकी थिकनेस, यानी कि बॉक्स की जो थिकनेस है, समझ रहे हो बात को, जैसे कोई भी चीज बनाते हो बेटा उसकी थोड़ी सी मोटाई होती है, किसी भी चीज को, जैसे आप मोबाइल देख लो, चाहे बॉक्स, अपना खुद का बॉक्स उठा के देखना, तो उसमें भी थोड़ी सी मोटाई होगी, ठीक है। तो जब थोड़ी सी मोटाई होगी तो उसी मोटाई के बारे में बता रहा है कि आपको उसी मोटाई की ही बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालना है कि कितना लोहा लगेगा उस बॉक्स को बनाने में, जबकि वो एक साइड से ओपन है। बात समझ में आ रही है, जबकि क्या है वो एक साइड से ओपन है। अच्छा, तो अब इसमें भी क्या करना है आपको, वही काम करना है, मतलब एक्सटर्नल लेंथ निकालनी है, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना है, इंटरनल वॉल्यूम निकालना है, काम तो वही करना है, ठीक है। थोड़ी सी चीज में क्या ध्यान देना होगा वो ध्यान देख लो, ठीक है, कि जब भी आप ओपन बॉक्स है ना बेटा, तो भाई लेंथ तो दोनों तरफ से कम होगा, ब्रेथ भी दोनों तरफ से कम हो जाएगी, ठीक है, थिकनेस की वजह से लेंथ और ब्रेथ तो दोनों तरफ से कम हो जाएगी, लेकिन हाइट जो है वो सिर्फ एक तरफ से कम होगी, ऊपर से कम नहीं होगी, थिकनेस की वजह से। चूंकि बॉक्स ओपन है, क्लोज्ड था तो सब तरफ से कम कर दे रहे थे इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए। एक्सटर्नल डायमेंशन तो दिया ही है, इंटरनल निकालना है, तो एक्सटर्नल डायमेंशन से इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए अभी तक आप क्या कर रहे थे कि सब में से जो इंटरनल डायमेंशन, जो आपका थिकनेस है उसका ट्वाइस, मतलब थिकनेस का डबल, क्योंकि दोनों साइड से कम कर रहा है, ठीक है भाई, इधर से मोटा है तो इधर से भी तो मोटाई होगी ना उस चीज की, तो दोनों साइड से चूंकि कम हो रही थी तो आप क्या करते रहे थे, दोनों इंटू टू करके माइनस कर रहे थे। लेकिन अब अगर ओपन बॉक्स है तो क्या करोगे, लेंथ में से तो इंटू टू करके माइनस करोगे, ब्रेथ से भी इंटू टू करके माइनस करोगे, लेकिन हाइट से सिर्फ वन टाइम माइनस करोगे, इंटू टू नहीं करोगे, ठीक, क्योंकि ओपन है वो, ठीक। देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए, सबसे पहले एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ, हाइट लिख लीजिए, उसके बाद एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक, ऐसे निकल गया। फिर इंटरनल लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकाल लीजिए, एक्सटर्नल में से 3 माइनस किया, क्योंकि 1.5 इंटू 2 3 आ रहा, थिकनेस 1.5 है, ब्रेथ में से भी 3 माइनस किया, लेकिन हाइट से केवल 1.5 ही माइनस किया, डेप्थ से, क्योंकि डेप्थ ऊपर से ओपन है, इतना आ गया। इसका भी वॉल्यूम निकाल लिया, मिल गया आपको इतना, ठीक। अब यूज्ड वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल में से इंटरनल माइनस कर दो, निकल गया कि इतना वॉल्यूम, इतना लोहा मतलब यूज हुआ, इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहा आपका यूज हो रहा है, ठीक। अब इसका वेट बोल रहा है, कह रहा है कि एक सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 8.5 ग्राम, 8 सेंटीमीटर का वेट कितना है, 8.5 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इतने का कितना होगा, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 3960 इंटू 8.5, मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आया, 3366 ग्राम, एक ग्राम में आया, ये भी सही है। अगर केजी में कन्वर्ट करके, केजी में करना चाहते हो तो आप ऐसे केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, तो अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 22 पे, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी एक लैंग्वेज अलग कर दी और कुछ नहीं। एक बात ध्यान से सुन लो, इंटरनल वॉल्यूम जब निकाल रहे हो तो इंटरनल वॉल्यूम निकालने में क्या हो रहा है पता है आपको, एक्सटर्नल निकाले तो ठीक है, उसके बाद थिकनेस घटा करके इंटरनल निकाल लिए, तो जो इंटरनल वॉल्यूम है वो क्या है, वही कैपेसिटी है बॉक्स की। भाई सामान रखते हो जब बॉक्स में तो अंदर ही रखते हो ना, बाहर तो रखते नहीं हो सामान उसके, ठीक है, अंदर ही सामान रख रहे हो, तो अंदर कैपेसिटी जो निकालनी होगी, मतलब पता करना होगा कि कितनी चीजें इसमें अट सकती हैं, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, इंटरनल वॉल्यूम ही निकालना होगा। तो इंटरनल वॉल्यूम इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या समझ में आया, इंटरनल वॉल्यूम मींस कैपेसिटी ऑफ
बॉक्स, ठीक। देखो करेक्ट बॉक्स है, ठीक है, लेड का बना हुआ जिसकी की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है 56, 39, 30, ये लेंथ ब्रेथ हाइट एक्सटर्नल दिया हुआ है। कैपेसिटी पूछ रहा है बॉक्स की, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? इंटरनल वॉल्यूम। मैंने अभी बताया कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, इंटरनल वॉल्यूम। तो बस पहले लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, उससे एक्सटर्नल भी निकाल लीजिए क्योंकि आपको जरूरत आगे पड़ेगी। फिर उसमें से एक्सटर्नल डायमेंशन में जैसे अभी आप कर रहे थे, लेस कर रहे थे थिकनेस घटा घटा के इंटू टू करके थिकनेस घटा देना, क्योंकि ये भी बॉक्स क्या है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड ही बॉक्स लेड मेड अप ऑफ वुड। इतना इंटरनल वॉल्यूम इतना कैपेसिटी ना ऑल टू फाइंड द वॉल्यूम मेक वुड। हाँ ये क्लोज्ड बॉक्स है, कुछ लिखा नहीं तो क्लोज्ड मान के चलना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालोगे, फिर 3 × 6 माइनस करके इंटरनल निकालोगे, जो इंटरनल वॉल्यूम आएगा वही इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक। और वुड यूज्ड निकालना है तो क्या करोगे, कैसे वुड यूज में निकलेगा, वुड यूज ऐसे निकलेगा कि भाई एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो वुड यूज आपको पता चल जाएगा, ठीक। सेम क्वेश्चन 24 भी है, ठीक है। तो 24 में भी एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है, द बॉक्स इज मेड 2 मीटर थिक है, कैपेसिटी बताइए भाई, इंटरनल वॉल्यूम निकालना, ये भी कर लोगे। फिर देखिए 24 क्लोज वुडन बॉक्स है, अच्छा क्लोज लिख रहा है ना, तो इसको ओपन मान के चलना, यानी कि 22 और 23 वाले को ओपन मान के चलिएगा, ठीक है। 22 और 23 को ओपन मान के चलिएगा जब कुछ नहीं लिख रहा है तो। अब क्लोज्ड की बात है, तो क्लोज्ड की बात जब है तो क्लोज्ड में देखिए कह रहा है कि क्लोज्ड बॉक्स था इतना 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 उसका दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है, थिकनेस भी दे दिया है, कैपेसिटी बताइए बॉक्स की। तो ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, अभी आपने किया लेंथ ब्रेथ हाइट निकाली, कैपेसिटी निकाला, क्लोज्ड है तो अभी इंटू टू करके माइनस होगा, ठीक। वेट निकालना है, वेट भी निकाल लोगे, बता रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, वेट भी निकाल लोगे। अभी आपने किया क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही है, बस वो 21 वाला ओपन था, ये क्लोज्ड है, यानी कि हाइट में क्या हो जाएगा, 2 से इंटू करके ही माइनस हाइट में भी होगा। फिर आइए 25 पे, तो 25 तो और आसान है, आपको दिया ही है कि वॉल्यूम निकालो, लेटरल सर्फेस एरिया निकालो और टोटल सर्फेस एरिया निकालो, किसका, क्यूब का। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला पढ़िए, सोल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे चलिए, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला सॉल्व करके बताया, सरफेस एरिया दिया है आपको, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करोगे, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1176 cm² = 6a², यही आपको वैल्यू दी हुई है। तो सरफेस एरिया से a की वैल्यू निकाल लो, पहले 6 से इधर ला के डिवाइड किया आपने, तो देख रहे हो क्या हो गया, 196 बराबर ए स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है, ए की वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे, अंडर रूट करोगे दोनों साइड, अंडर रूटिंग कर दिया दोनों साइड, क्या मिला, अंडर रूट 196 = √a² अंडर रूट करते हैं तो पेयर बनाते हैं, तो 96 को जब हमने स्प्लिट किया तो 14 × 14 मिल गया, सिमिलर नंबर का पेयर बनना चाहिए, 14 × 14 मिल गया, ये तो आता ही है आपको, ए का ए इंटू ए, तो दोनों में से एक पेयर में से एक बाहर ए, उधर 14 × 14 में से एक बाहर 14, ठीक, खत्म। इसके बाद अब इसका वॉल्यूम निकालना है, जब ए आ गया तो वॉल्यूम निकाल ही लोगे, क्योंकि ए क्यूब जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब कर दीजिए तो 14 × 3 हो जाएगा 2774, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यूनिट लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप ना भूलें, सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिखें, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा, ओके, समझ गए बात को। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे, देखिए क्या है बेटा 28 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, डायमेंशन बता रहा है आपको एक मेटल बॉक्स की, मेटल बॉक्स है एक, उसका डायमेंशन इतना इंटू इतना इंटू इतना दिया, ठीक, अच्छा अब बता रहा है कि इज मेल्टेड, ब्लॉक है, देखिए बॉक्स नहीं है, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब पूरा सॉलिड, ठीक है, बीच में गैप वैप नहीं है, पूरा सॉलिड टुकड़ा है, ठीक। अब बोल रहे क्या, मेल्टेड यानी इसको गला दिया गया, एंड रीकास्टेड, रीकास्टेड मतलब फिर से बनाया गया, पहले तो गलाया गया, मेल्टेड मींस गलाना, और रीकास्टेड मतलब बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्यूब के फॉर्म में, मतलब क्या कि एक क्यूबॉइड था जिसको कि गर्म किया गया, गलाया गया, और उसको फिर एक क्यूब क्यूब में बना दिया गया, क्यूब यानी कि ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी की साइड कितनी दी हुई है आपको, जिसकी की साइड आपको दी है 45 सेंटीमीटर, ठीक,
5, उसकी साइड क्या थी, ईच साइड 45 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि कितने क्यूब निकल सकते हैं, यानी कितने क्यूब हम उस गले हुए आयरन से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, डायमेंशन लिखा मेटल बॉक्स का, इतना इंटू इतना इंटू इतना, सबको अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई पॉइंट पॉइंट था तो पॉइंट से तो डर लगता है हमको, है ना, डेसिमल देख के डर जाते हो ना, इसलिए डेसिमल हटा के हम लोग क्या किए कि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। और क्योंकि वो भी सेंटीमीटर में ही था इसीलिए सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया, जो आपका इतना आया 225 सेंटीमीटर इंटू 150 इंटू 27। ठीक, मल्टीप्लाई किए तो आया 911250 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोल रहा है, अब रीकास्ट करना है, कैसे करना है, स्क्वायर फॉर्म में यानी क्यूब फॉर्म में, और साइड कितनी रहनी चाहिए, 45 रहनी चाहिए। तो इसका कितना वॉल्यूम आएगा, एक का 45 इंटू 45 इंटू 45, यानी कि 499125। अरे ये तो जादू हो गया, ऊपर वाला देखो 991250 है, इसमें 99125 ही है। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक बनने में इतना लोहा लग जाएगा, 199125 सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। तो कितने टोटल बनेंगे, तो जो इसका वॉल्यूम है, डायमेंशन है जो, अरे मेटल बॉक्स ब्लॉक का जो वॉल्यूम है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए अपने आयरन जो आपने क्यूब बनाया उसको, तो उसके वॉल्यूम को उससे डिवाइड कर दिया गया, तो सारा तो नंबर सबसे कट ही गया, जीरो बच गया, यानी कि 10। तो नंबर ऑफ क्यूब ब्लॉक्स कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। ठीक, क्लियर। आगे चलो क्वेश्चन 29 पे, क्या है देखो 29 वाला, कह रहा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल्ड। अगर लेंथ जो है हर साइड के क्यूब का डबल कर दिया जाए, जितना भी लेंथ हो, अगर एक है तो दो कर दिया जाए, दो है तो पांच कर, चार कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो ये बताइए कि वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया कितनी गुना बढ़ जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम, कितने टाइम्स हो जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए क्या किया गया, लेट कर लिया मैंने कि लेंथ जो है वो क्या है, साइड 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 की क्या है, वन है, वन यूनिट नहीं बता रहा, सिर्फ वन रख रहा हूँ। वॉल्यूम कितना आएगा, वन क्यूब, यानी कि वन, ठीक, वन का क्यूब तो वन ही। टीएसए कितना आएगा, 6a स्क्वायर होता है, यानी कि 6 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 1, यानी कि 6। ठीक, अब साइड डबल कर जा रही है, साइड डबल की गई मतलब 2 × 2 कर दिया गया साइड में, तो 2 × 2 कर दो साइड में, 1 × 2 2। वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, यानी कि 2 क्यूब, 2 × 2 × 2 कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक, 8 आ गया। टीएसए कितना आएगा, 6a स्क्वायर होता है टीएसए का फॉर्मूला, 6a कितना है, 2, तो 6a स्क्वायर, a a का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 × 6 = 24 आ गया। चलो भाई अब कंपेयर कर लो, अब कह रहा है कि अगर साइड डबल की गई, सो इफ द साइड इज डबल्ड, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ डबल साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओल्ड साइड, डिवाइड करोगे तभी पता चलेगा कितना टाइम्स हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ डबल्ड साइड कितनी है, 8, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूब कितना है, 1, तो कितना टाइम्स हो गया, 8 को 1 से डिवाइड किया तो 80 आया, 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 80 आएगा ना, हाँ, तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। अब टीएसए की बात पूछ रहे, टीएसए कितने टाइम्स होगा, तो टीएसए ऑफ डबल्ड साइड अपॉन टीएसए ऑफ ओल्ड क्यूब, ठीक, तो टीएसए ऑफ डबल्ड साइड कितनी है, 24, अभी निकाले ऊपर 24, और ओल्ड का कितना आया था, 6, 24 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 टाइम्स, ठीक है, 6 × 4 = 24, 4 टाइम्स आ गया। क्लियर, पता चल गया कि 8 टाइम्स वॉल्यूम हो जा रही और 4 टाइम्स टीएसए हो जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका, चलिए उस पर चलते हैं। कह रहा है कि एक सॉलिड क्यूबिक ब्लॉक था, ठीक है, जो कि मतलब वुड का था, लकड़ी का, ठीक, क्यूबिकल, ठीक, जिसका कि कॉस्ट जो है था वो कितना था, 256 रुपीज, मतलब उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, 256 रुपये। अगर पर मीटर की कॉस्ट, मतलब एक मीटर अगर होता तो उसकी कॉस्ट कितनी होती, 500 रुपये होती, पर मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी होती, 500 रुपये होती। ठीक, तो बताइए कि वॉल्यूम क्या है एंड लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है और लेंथ फाइंड करना है, तो क्या करोगे, सोचो पहले, देखो क्या करोगे, बता रहा हूं तुमको, देखो मैंने सॉल्व किया है, आपको दिखाता हूं, देखिए पहले तो हमने लिखा कि कॉस्ट ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना है,
256 रुपीज, कितने के हिसाब से, 500 रुपीज पर मीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक, इतना क्लियर। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कितना खर्चा आता है, ये कैसे निकालते हो, वॉल्यूम में जब कॉस्ट का मल्टीप्लाई करते हो, वॉल्यूम में पर मीटर कॉस्ट का मल्टीप्लाई करते हो, तभी आपको पता चलता है कि कितना टोटल कॉस्ट होगा। लेट कर लो साइड ए है, टोटल कॉस्ट तो आपको दी है 256 रुपीज, साइड ए है तो ए क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक, ए क्यूब कहां से आया, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक, इंटू इंटू कॉस्ट पर मीटर कितनी है, 500 रुपीज, ठीक, ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे एक्स लिखा गया है गलती से, ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी इतना डिवाइड बाई 500, 256 डिवाइड बाई 500, रुपीज कट गया, मीटर क्यूब बचा है, काटे कितना आया, 0.512 मीटर क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ठीक, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब होता है, यानी कि ए वॉल्यूम कितना आ गया, 5.12 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, ठीक, इसको आप सेंटीमीटर में चाहो कन्वर्ट कर लो, नहीं चाहो जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बोल रहा है कि साइड बताइए, तो क्यूब रूट करेंगे दोनों साइड तभी ए की वैल्यू मिलेगी, क्यूब रूट कर दिए दोनों साइड, यहाँ पे भी क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट, अब जैसे स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर बाहर निकलता है, क्यूब रूट में तीन तीन का पेयर बाहर निकलता है, ए क्यूब लिखे ए इंटू ए इंटू ए, यहाँ 512 को स्प्लिट किए तो 0.8 × 0.8 × 0.8 मीटर बाहर निकाले, 0.8 तीनों में से एक बाहर आएगा, इसमें से भी ए बराबर 0.8 मीटर, या आप कह सकते हो 80 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो। क्लियर है, तो 30 क्वेश्चन तक हो गया बेटा, यही आपका होमवर्क है 21 to 30, ओके, आपकी एक्सरसाइज 20 ये कंप्लीट हो गई, थैंक यू क्लास।